I am mixing two of my most favorite things in the world. Angrakha, not angare. Mummy, angare kabab hota hai. अब भी दूसरी दुकान वाला 550 में दे रहा था ये. Same. This is the perfect video for you. Updated map है वैसे भी मेरा. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. For today's video, we are doing yet another outfit from scratch. ये वाली videos मेरे channel पे बहुत famous है और आपको बहुत अच्छा लगता है when I make an outfit पूरा starting से the whole design process, getting the fabric, lace और फिर fittings जो बहुत आगे पीछे होती है सिलाई से fittings तक and then finally coming up with the final outfit जो सोचा था और जो मिलता है उसमें कितना हम variations और कितना designing कर सकते हैं और कितना scope of work होता है. So that is what we are doing today. But I'm adding a very fun twist to it. I am mixing two of my most favorite things in the world. One is travel and the other is fashion. And ये चीज़ मैं अपने channel पे नई series start करना चाहती हूँ. जहाँ मैं travel करूँ India में, वहाँ से मैं outfit from scratch बनाऊँ. So this is something I've never seen anybody do before, and I always try to bring something new to the table. तो अगर आप कुछ time से मुझे follow कर रहे हो और मेरे travel with Saar episodes भी देखते हैं, तो you know the last place I traveled to is Udaipur, and Udaipur is a place in Rajasthan. Rajasthan is one of the most richest, I would say, in tradition and culture in the whole of India. ऐसा नहीं है इंडिया में तो बहुत कल्चर और ट्रेडिशन ओवरऑल भी है, बट जो राजस्थान का कल्चर है ना वो उनके कपड़ों में दिखता है, उनके रहन सहन में दिखता है, उनके खाने में दिखता है. बट बिकॉज मुझे अपना पूरा आउटफिट वहां के कल्चर के हिसाब से बनाना था इन अ मॉडर्न ट्विस्ट जो मैं यहाँ मुंबई में भी पहन सकूँ और अपने फंक्शन में पहन सकूँ, तो आई वेंट टू द लोकल मार्केट्स ऑफ उदयपुर. जब मैं ट्रेवल करी थी मैंने बहुत अलग अलग टाइप के फैब्रिक देखे, बहुत कुछ सीखने मिला, एंड आई ऑल्सो पिक्ड अप दीज वेरी प्रिटी फैब्रिक्स. सो फर्स्ट Let's go back to Udaipur a little bit and see what we discovered. सिर्फ यही लाइन है कपड़े पे, मतलब ऐसी सब पानी वगैरह यही मिलेगी. लास्ट टाइम जोधपुर में ये मिस्टेक की थी कि हम लोग एम्पोरियम्स वगैरह से एक जुत्ती ले लिए थे, फिर अंदर अंदर द एक्चुअल ट्रेजर वाज. अभी ये मार्केट भी हम अंदर अंदर एक्सप्लोर करेंगे, देखते क्या मिलता है. व्हाट अदर कलर्स यू आर लाइकिंग? अट्ठाईस मतलब 2800 का है, आफ्टर लेस 1800. पिंक इज ब्राइट, जैसे तुझे कलर पसंद है. एंड माय स्किन डोंट लुक बेटर ऑन ग्रे, वुड लुक नाइस इन सर्टेन लाइटिंग एंड सर्टेन लाइक सेटअप, नॉट इन. पर अभी गणपति वगैरह आए तो ये बेटर. पिंक इज मोर सेक्सी. पानी कपड़े का होलसेल में क्या भाव है भैया? 1500 के 3 मतलब. नहीं नहीं, मुझे थान के हिसाब से चाहिए. थान में ये लगा हुआ, सिर्फ यही मिलता है थान में. क्या रेट है? 120 मीटर. स्टैंडर्ड प्राइस है क्या ये मार्केट का? ओके, आई एम गोना मेक द डिसीजन एंड गो टू दिस कॉटन प्लाजा नाउ, छाती पोल मार्केट. भैया मुझे सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए. थान में कपड़ा. उधर जाना है? अच्छा, सिर्फ ये इतनी लिमिटेशन है क्या थान में? कितना रुपया मीटर है ये कपड़ा? 130 देने का बोलो भैया. दूसरी दुकानों में 120 में दे रहे हैं, आप 130 में दे रहे हो. ये तो होलसेल मार्केट है. बांधनी में और कलर्स है? जैसे ये वाला है. वो वाला है. ओके, ऐसे बांधनी के क्या है? दुपट्टे है? ड्रेस मटेरियल. पूरा का पूरा मटेरियल है. और लहरिया में? लहरिया में नहीं है. ये दिखाइए जरा, ये जो सबसे फर्स्ट पीस है ऊपर. नहीं नहीं नहीं, वो वाला. बेडशीट है उसमें? वो नहीं आपके पास? ये सारे ड्रेस मटेरियल है ऑलरेडी. दिखाइए एक खोल के पीस. ऑल ओवर है, सलवार कमीज सेम है, दुपट्टा ये. अच्छा, देयर इज नो योक मतलब वो सब नहीं है? सिंपल है, डेली रूटीन की सुनता है ये. अच्छा, दिस इज नाइस. कितने का है ये? 1500. देने का बोलो भैया. फिक्स. और बांधनी वाले दिखाइए, एक बांधनी का सूट खोल के. वो पर्पल वाला दिखाना. ये कितने का है? 550. ओपन पीस है ये, सलवार कमीज दुपट्टा सब. ये 550 को पूरा सलवार कमीज दुपट्टा? पर आप बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देंगे? फिक्स रेट है, फिक्स में अच्छा है ना. हम्म, ज्यादा हो तो हम फिर कम करो, ज्यादा ही दे जाएंगे. लेट्स ट्राई राजस्थान प्लाजा. थान में कपड़े भैया? कैसे कपड़े हैं फिर? ड्रेस मटेरियल है, साड़ी से बेडशीट से. मैं ड्रेस मटेरियल बांधने का दिखाइए. मैं तुम जरा देखो, ड्रेस मटेरियल आएंगे मैम. इस टाइप के आते हैं, देखते हैं. ब्लॉक फिट बांध नहीं पाता, ब्लॉक का कुर्ता आएगा, बांधने की शलवार एंड बांधने का दुपट्टा आएगा. हम्म, ये पढ़ना आता है मैम?
एक ही आएगा आपको फ्रंट पे पैनल बांध, मम्मी सब ये सारे पैनल बांधनी में आते हैं। स्टार्टिंग रेंज आता है वो लैवेंडर वाला 750 का आएगा, 750 अभी दूसरी दुकान वाला 550 में दे रहा था, ये सेम ज्यादा अच्छा है ना, मैं भी बात सुनने को समझ जाएगा, ये फुल साइज है, डायमीटर कट है, 750 का 600 पड़ता है, कम से कम 200 रुपए का पड़ा, प्लेटी जो है ना रुपट्टे का फर्क आता है, इसका डायमीटर और पड़ा 2 मीटर कट नहीं आता, साइज पूरा रखा सेम ही लग रहा है भैया, लगना सेम होता है ना फैब्रिक तो, इनफैक्ट उसका सॉफ्ट था, कैसा लूँ मां विच कलर टू टेक देन इन बांधनी से ऑल दिस 900 की रेंज का, नीचे खराब नहीं है का भैया आप नीचे रख रहे थे, और ये डार्क है क्या बेस है, ये कॉटन बेस है कि क्या है, ग्लेस कॉटन, ग्लेज कॉटन, ये बंधेज प्रिंट है, कितना रुपया मीटर, ये भी 130 बटिक ये है मम्मी, ये तो जो तुम लोग की मैक्सी होती है वैसा दिख रहा है, ऑरेंज अच्छा है, ऑरेंज रेड वाला, कौन सा रेड वाला, ये रेड निकालिए, ये अंगारे स्टाइल बनाएगी ना तो अच्छा लगेगा, अंगरा खा नॉट अंगारे मम्मी, अंगारे कबाब होता है, मैंने तुमको एक इमेज भेजी हूँ ना, हाँ मैचिंग प्लाजो के लिए भी मटेरियल ले ले, है आपके पास प्लाजो के लिए मटेरियल, प्लेन होगा, प्लेन नहीं रखते, प्लेन नहीं रखते, दे ओनली की प्रिंट्स, प्रिंट ऑन प्रिंट विल लुक सो फनी, अरे नाउ इट इज इन फैशन, आई टुक इट फॉर मैगी आल्सो दैट डे फ्रॉम किड, आई वुड रादर बाय अ फुल लेंथ अंगरखा, मेकअप फुल दिखाइए, ओपन कीजिए, ये देखो लाल वो, हाँ वो लेके गए 3050 वाला जो देखना है, वो क्या अच्छा है, ये एकदम शादी टाइप से माँ, ये निकालो, अच्छा है रखो ये नीचे, कितना पन्ना है इसका, 44 का है, 44 का पन्ना है, तो मेरी हाइट के हिसाब से अंगरखा के लिए कितना लगेगा, चल गया अंगरखा का फुल मेरी एंकल लेंथ जितना, 3 मीटर दैट्स इट, मेरा टेलर तो 7.5 बोला, फ्लेयर बनाएंगे क्या उसमें, 3 मीटर तो नहीं होगा आंटी, फ्लेयर बनाएंगे पूरा एकदम फ्लेयर नहीं, रैप कली नहीं बट रैप, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 5 ले लूँ सेफ्टी साइड, आप 5 ले लो, आप 4.5 में उसे बन जाएगा, 4.5 में बन जाएगा, दिस इज अ नाइस कॉम्बो, आई लाइक दिस कलर इज मैचिंग परफेक्टली, ये प्रिंट को क्या बोलते हैं, ये बगरू प्रिंट, बगरू, और ये तो ब्लॉक प्रिंट में, ये ब्लॉक प्रिंट है ना, ये सिंपल वाला भी 130 रुपया मीटर, दुपट्टे के लिए 1 मीटर बस होएगा ना, नहीं नहीं दुपट्टे में ज्यादा चाहिए ना, 2.5 मीटर होता है, जस्ट अप्लाई दिस एंड सी दिस कलर ऑन मी, बिकॉज़ आई हैव नेवर वोन दिस कलर, आई पर्सनली लाइक इट, नाइस, आई लाइक इट, लाइक वो एक साइड रख और ये एक साइड रख, व्हाट डू यू गाइस थिंक, दिस इज मोर वाइब्रेंट एट लीस्ट लाइक ऑन कैमरा, दिस इज लुकिंग मच मोर वाइब्रेंट, आई फील लाइक इसका अंगरखा विल लुक बेटर, like a standalone gown with no dupatta, nothing, इसके साथ दुपट्टा दैट कलर इज मैचिंग परफेक्टली, इसके साथ मुझे कॉन्ट्रास्ट में कुछ मिल नहीं रहा, कलर दे डोंट हैव, लाइक द अदर ऑप्शन इज दिस एंड देन दिस का इंडिगो एंड दिस इज नॉट मैचिंग, और ये वाले ब्लू वन स्टैंडअलोन गाउन ना विद दिस, यू कैन बट इट वुड बी क्वाइट लाइक सिंस इट्स लाइक कॉटन वगैरह, तो बस हां बेसिक, आई कैन टेक गोटापट्टी लेस एंड ऑल एंड एम्प इट अप इफ आई वांट, हाउ मच इज दिस फॉर, 135 रुपीज खाली 500 का, ले ले लुकिंग नाइस, लाइक आई एम थिंकिंग आई कैन टेक लाइक अ वी डीप वी इन दिस एंड द रैप अराउंड काइंड एंड ऑन द वी आई विल पुट दैट गोटा पट्टी वाला सिल्वर कलर, सिल्वर सिल्वर दो मोती वाला गोटा पट्टी, ठीक है ना, टू मेक इट फैंसी एंड देन एल्बो पे भी, वरना नाइट सूट जैसा दिखेगा, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, या दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि विदाउट दुपट्टा वगैरह फिर वो एकदम वो हो जाएगा, बट दैट्स द पॉइंट, लाइक यू आर गेटिंग बांधनीज लाइक दीस व्हिच आर रेडीमेड व्हिच लाइक फुल्ली टाइड है, ओके सूट ही मिल रहा है, मतलब इसका बना बनाया बना, ठीक है भैया ये दो दे दीजिए, इसका 5.5 मीटर, एंड अ फ्लैशबैक, ओके आप जब उदयपुर की सवारी हो गई है और पूरे मार्केट अच्छे से देख लिए, सब फैब्रिक्स पढ़ लिए, आई विल शो यू व्हाट आर द फैब्रिक्स आई गॉट फ्रॉम देयर हमारे कपड़े बनाने के लिए, अब जब मैं इधर मुंबई में कपड़े पहनती हूँ, आई डोंट वेयर वेरी हैवी ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑलवेज, तो इन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में से आई वांट टू बी अ लिटिल रियलिस्टिक आल्सो, स्पेशली बिकॉज अभी दिवाली आ रही है एंड दिवाली में सब लोग अपने हिसाब से तैयार होते हैं, देयर इज नो लाइक फिक्स्ड अजेंडा, सम पीपल हू हैव लाइक रियली ग्रैंड लैविश पार्टीज टू अटेंड वो रियली ऑल आउट एंड वेयर लाइक सुपर हैवी लहंगास एंड वेरी भरे हुए कपड़े, और जो लोग घर में मतलब खाली एक डिनर होगा या फैमिली आएगी दे विल वेयर समथिंग लाइट वेट, सो आई वांट टू गिव यू ऑल अ वेरिएशन ऑफ एवरीथिंग, फिर आपको जो हिसाब से अपने
कपड़े बनाने हैं जिसके लिए इंस्पायर होना है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड डू दैट. सो फ्रॉम राजस्थान आई फर्स्ट पिक्ड अप दिस वन. सो ये एक बहुत ही प्रिटी पॉपिंग पिंक कलर में है एंड इसका जो प्रिंट है ये, इसको बांधनी प्रिंट बोलते हैं एंड जो सामने ये वर्क है इसको फॉइल बोलते हैं. यू ऑल शुड बी सो प्राउड ऑफ मी बिकॉज जब मैंने राजस्थान मिस्ट्री बॉक्स किया था तभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मुझे फैब्रिक्स की इतनी कच्ची नॉलेज है, बट मैं जाके सीख रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्रोसेस. तो आप लोग को भी सीखने मिल रहा है मतलब इस प्रोसेस में. अब ये एक सेमी स्टिच सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है तो इसमें अपने को ज्यादा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ऐसी आया है और इसको खाली मेरे माप में सिलाने की जरूरत है. आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 1500 रुपीज द होल थिंग. मैंने ज्यादा बार्गेनिंग नहीं की बिकॉज यू नो दीज लोकल मार्केट्स हैव सफर्ड सो मच, तो अगर थोड़ा कम कर रहे थे तो मैंने कर दिया. बाकी उन लोग टूरिस्ट को देख के वैसे भी ज्यादा ही भाव बोलते हैं तो आप भाव के लिए ज्यादा मेरे पे रेफर मत करो, शायद यू कैन नेगोशिएट मोर इफ यू वॉन्ट. इसमें पूरा लंबा फैब्रिक है, इससे अपन चूड़ीदार भी बना सकते हैं और ऊपर का कुर्ता भी बना सकते हैं एंड दुपट्टा इसमें अलग से आया है. दुपट्टे पे भी पूरा ऐसा बहुत ही प्रिटी बांधनी का प्रिंट है एंड देन देयर इज गोटा पट्टी लेस ओवर हियर ऑन दिस साइड व्हिच आई रियली लाइक बिकॉज इतनी सटल और लाइट वेट फैब्रिक्स होते हैं बट एक्चुअली बहुत सुंदर दिखते हैं और फोटोज में भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं. आई थिंक पिंक लुक सो प्रिटी ऑन डस्की डीप स्किन टोन्स और मेरे पे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये कलर उठाया. एंड दूसरा फैब्रिक जो मैंने खरीदा है वो पूरा का पूरा फैब्रिक है, थान में बोलते हैं इसको. थान इज बेसिकली वे दे गिव यू नो बाय द बल्क एंड वेरी लिमिटेड फैब्रिक ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दैट. मुझे बांधनी में बाय द बल्क नहीं मिल रहा था, बांधनी में इट वॉज ऑल लाइक ऐसे सेमी स्टिच्ड ओनली के बस आप खरीदो और अपने हिसाब से सिला लो. एंड द नेक्स्ट वन आई पिक्ड अप इज दिस. अभी ये बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कलर में मैंने लिया है, इस प्रिंट को बगरू प्रिंट बोलते हैं. द फैब्रिक इज जस्ट लाइक सॉफ्ट कॉटन ओवरऑल फॉर दिस फैब्रिक. जितना मैंने अपने लिए 5.5 मीटर कपड़ा लिया, आई थिंक 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से था, तो फुल कपड़ा मुझे 500 रुपए में पड़ा है. मैंने 5.5 मीटर कुछ लिया एंड देन आई बार्गेन फॉर 50 बक्स. इससे आई प्लान टू मेक लाइक एन अंगरखा, अंगरखा ही बोलते हैं आई थिंक उसको, विच इज लाइक दिस टाइंग बट अ गाउन. आई विल पॉप अप सम पिंटरेस्ट इमेजेस जो मैंने सोचे हैं, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर कैजुअल जो मैं रोज घर में भी पहन सकूं, बट अगर मुझे बहुत हैवी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इसको स्टाइल करके बाहर जाना है सो दैट इज ऑल्सो अ वाइब. सो दिस इज मोर कैजुअल देन दिस वन. इसके लिए लेस भी खरीदनी पड़ेगी तो हम अभी जाएंगे चार बंगला मनीष मार्केट जहां मैं हमेशा लेस के लिए जाती हूँ और फिर अपने ट्रस्टी टेलर को देके इन फैब्रिक्स को हम सिला सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गोटा या ऐसा बीड वर्क के जैसा होता है, सिल्वर दो और गोटा थोड़े, ये तो फॉइल है ना, गोटा ही है ना, ये रंग गोटा. अच्छा, बट थोड़ा पतला मतलब वो ट्रायंगल जैसा या तो बीड्स के जैसा दो. एकदम सिंपल सिलाने का, इतना भारी नहीं करने का और गोल्ड तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. हाँ बीड्स वाले वैसे. दिस इज दैट समोसा गोटा पट्टी वाला लेस जो अपने पिंक वाले के दुपट्टे में है ऑलरेडी. दिस इज मोर पर्ली लाइक डिस्को बॉल, दिस इज वेरी डिस्को बॉल. आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस टू. ये थोड़ा दिख के आ रहा है, मतलब थोड़ा दिख के आ रहा है बट ये कलर ऑफ है. इसका थोड़ा सिल्वर वेरियंट है, थोड़ा ऑफ व्हाइट हो रहा है भैया, या व्हाइट दो, व्हाइट भी अच्छा रहा है. मजा नहीं आ रहा है ना, पर्ल तू बोलती तो राजस्थान से ही है. दिस इज अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू, यू शुड बी डिजाइनिंग दिस आउटफिट. यू ऑलरेडी डिजाइंड इट. ओपिनियंस फॉर मी, दैट इज लुकिंग गुड. Yeah, see, my designs are good only, yaar Sakshi, kya tu bhi. I feel this looks better. This looks better than, but thoda aur big display mein thoda jhaag kuch aur achha lag raha hai. This is my inspo, like a wrap around angrakha jisko bolte hain. Dupatta nahi layi hu main. Dupatta nahi hai? Nahi layi hu main. क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मेरे को ऐसा गाउन टाइप बनाना है, फुल स्लीव. हाँ फुल स्लीव फुल दिस. हाँ सी दिस इज द साइज ऑफ, ये तो ये ही है भैया. इट लुक्स गुड फ्रॉम अफार, या इट लुक्स गुड. कितना रुपया है ये? 35 रुपीस. कहाँ कहाँ लगाओगे, गले पे और हाथ में? बट ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ना दुपट्टा ना चाहिए. अभी ये 500 रुपए का कपड़ा है और ये 25 रुपए की लेस में, और ना बजट बनना चाहिए. सारा बजट बन जाएगा भैया, आप दे दो 3 मीटर. तो ये तो लोग देखते हैं. कितना? 3.5 दो. ओके दे दो. क्या करते हो तुम इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेस लेके? ना कम पड़ गया तो कैसे रहेगा फिर, अकेले लेने का इन लोग के पास रहता ही है.
120. So 120 and discount. Discount के बाद ये बराबर है. क्या भैया? Later that same evening. ये वाले का तो तुम देख लिए ना. हाँ. अब ये दूसरा तो semi stitched है. इसमें सब है. दुपट्टा मैंने घर पे ही रखी हूँ. बट इसमें चूड़ीदार और कुर्ता निकाल लो मेरे लिए. चूड़ीदार बनाओ. चूड़ीदार नहीं बनाएंगी बार मेरी. इसमें अच्छी लगी. टाइट कुर्ता और चूड़ीदार. कपड़ा कम है ठीक है. तो स्लीव्स में काटो ना. कपड़ा कम है तो 5.5 मीटर में हो जाता है. आपका कम से कम दोनों सेट निकालना है तो 6.5 मीटर. 6.5 मीटर कपड़ा लेंथ बैठना चाहिए ना. मैं जब उधर उदयपुर में लोगों को बोली ना 7 मीटर चाहिए, वो लोग हंस रहे थे मेरे. कहाँ जाएगा वो ही 7 मीटर कहाँ जाएगा. इतना कपड़ा है सर, इसमें तो 2 लोगों का कपड़ा बन जाएगा. हाँ इतना ही लंच चाहिए. बराबर है चूड़ीदार के लिए. यहाँ से जॉइंट सेंटर ज्वाइन. तुम कितनी स्लीव्स दोगे? अबव एल्बो 3/4 बिलो एल्बो. हाँ ठीक है. बिलो एल्बो ना. घुटने के घुटना नहीं, क्या बोलते हैं एल्बो को हिंदी में? नी नहीं, घुटना नहीं बोलते. नी घुटना होता है. एल्बो को क्या बोलते हैं? कोनी. कोनी के नीचे. अभी ये तुम मुझे 13 कलेक्ट हो देव. 13 को हो जाएगा थर्सडे. 11 है आज. 11 है. गेट टू वेट. बोलो ना आज तुम शुरू करो. 13 तक हो जाएगा. माप का तो लेकर आना चाहिए कुर्ता. तुम्हारे पास है ना? कितनी बार माप दू? ले लो अभी माप. अपडेटेड माप है वैसे भी मेरा. Several days later. हुआ चूड़ीदार बनेगा? चूड़ी आई है जितना आया मैं पूरा रख लिया कपड़ा. सालों बाद में चूड़ीदार बनी है. ओके कूल. अभी ट्राई करूँ? हाँ मेरे पास आने का टाइम नहीं मिलेगा. यस. बट ये बांधने का नहीं रखे तुम? मेरे को रैप अराउंड जैसा चाहिए था. कपड़ा नहीं बचा है बिल्कुल. कपड़ा नहीं बचा है. एक बेल्ट बोले थे आप अलग से चाहिए. कपड़ा ही नहीं था. बेल्ट नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए था कि ये ऐसा बांधने के लिए आए साइड में. नहीं ये तो फिक्स बोला था ना. फिक्स कर दूंगा तो बॉडी पे फिटिंग अच्छा रहेगा. टायर राउंड जैसा चाहिए था जैसे. हाँ ऊपर अंग रखा है जैसा ना. हाँ ना? कपड़ा कम पड़ा है तुमको? जितना भी कपड़ा तो कम ही पड़ता है. तो क्या करूँ मैं? एक पैनल अलग से डाला हुआ देखो इसके अंदर. ये पूरा तैयार है वन पीस. देखो तो कपड़ा लगेगा ही ना. टाइट करना पड़ेगा बस. ये इतना देखो आ गया ना सब. बट इधर से भी थोड़ा उठ रहा है ना. नहीं उधर का सही है. ये वो लेस लगा है ना इसकी वजह से. बिकॉज तुमने अंदर से उसको सिलाई नहीं हो. अंदर से उठ रहा है ये देखो. ठीक है स्टिच मार रहा हूँ. वो ऐसी एक ही सिलाई में लगेगा लेस. ओके ये थोड़ा सा जो उठ रहा है ना. हाँ ये सीधा और इधर से ये धागा वागा. अच्छा ठीक है. ओके और थोड़ा सा आर्म्स पे से टाइट नहीं लग रहा है? बहुत ज्यादा टाइट है. कर देता हूं. तो थोड़ा सा लूज करना ना. फिटिंग परफेक्ट है. नहीं कुछ वजन बढ़ा नहीं. तुम चुप करो. ओके गाइस फर्स्ट फिट इज लुकिंग गुड. खाली ये थोड़ा सा इधर से उठ रहा है तो इसको हम सिला देंगे ऐसा. डोंट नो इफ आई शुड हैव गोन अ लिटिल डीपर. आई थिंक आई शुड गो अ लिटिल डीपर. अच्छा थोड़ा और डीप करेंगे क्या गला? थोड़ा डीप करेंगे गला और डीप चाहिए. हाँ हाँ ये जो खींचा हुआ है नम हो रहा है देखो. ये जो है हाँ सिर्फ यहाँ से इसको बस जो गला वहीं पे रहेगा. आ गया ना परफेक्ट. ये इधर से करना है क्या टाइट? हाँ से इधर से यहाँ से. हाँ थोड़ा सा बिकॉज बेल्ट नहीं दी हो तो थोड़ा वो सिंच वेस्ट कैसे दिखेगा. कपड़ा दे रहा था बेल्ट लिख के लिया था करके देता हूँ. अभी मैं उदयपुर जाऊँ वापस कपड़ा लेने के लिए. तुम ना ये कट मस्त लग रहा है. ये मस्त लग रहा है जो इधर दिए ना. गला और डीप नहीं चाहिए. ठीक है ओके फाइन. This fitting has come perfect. I love it. मेरे को तो बराबर लग रही है फिटिंग. इधर से ये चून हटाने की क्या? चून निकलेगा नहीं. कॉटन है. कॉटन है. मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है. यस चूड़ीदार चूड़ीदार की फिटिंग का मेरे को टेंशन था बिकॉज मेरे को चूड़ीदार में पहनती नहीं हूँ ज्यादा. नाप भी कहाँ लिया था चूड़ीदार? हाँ बिना नाप का कैसे बनाए तुम? अंदाजे में एकदम परफेक्ट बैठा है. चूड़ीदार का नाप लिएगा दो दिन बोल गया था गाइस. हाँ तुम नाप लिए नहीं. मैं वही सोची कि कुछ तो फिटिंग में गड़बड़ होगी इसलिए आज ही बोल दी. ले
फॉर माई उदयपुर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. आई होप यू इंजॉयड दोनों भी आउटफिट में से. अगर मुझे पर्सनली पिक करना हो, आई लव द अंगरखा बिकॉज दैट ब्लू कलर इज सो डिफरेंट, सो यूनिक, एंड इन पर्सन भी वो बहुत वाइब्रेंट लग रहा है. उसका फ्लेयर एकदम परफेक्ट है, मतलब इट्स नॉट ओवरडन घेरा एंड इट्स नॉट लाइक टू लेस ऑल्सो. इट लुक्स रियली प्रिटी एंड वेरी कंफर्टेबल. उसकी फिट इतनी सुंदर आई है ना. वो आउटफिट बनाने के बाद आई वॉन्ट लाइक 5-6 लाइक दैट टू जस्ट बी लाइक रोमिंग अराउंड इन माई हाउस इन अंगरखा, स्पेशली टॉप टू बॉटम जो मेरी हाइट का हो और उसमें आई डोंट हैव टू वेयर चूड़ीदार, नथिंग इन साइड, नो दुपट्टा, नथिंग इन इट सेल्फ ओनली. इट्स अ वेरी कंप्लीट पीस एंड उसका जो लेस भी हमको मिला वो बहुत ही प्रिटी था. ओवरऑल दैट आउटफिट जस्ट कॉस्टेड मी लाइक अंडर 1000 bucks. दिस आउटफिट आई वुड रेट इट लाइक अ 6/10. ये आउटफिट एक्चुअली मुझे फैब्रिक ही 1600 rupees का पड़ा, मतलब फुल थिंग लाइक द 3-piece. एंड सिलाई के बाद अगर आप गिनोगे तो 2600 हो गया. एंड ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक इट्स दैट वर्थ इट. काफी सिंपल सा एंड आई डोंट सी माई सेल्फ वेयरिंग दिस वन दैट मच. इवन दो बांधनी एज अ प्रिंट आई एंजॉय मोर, बट अभी जब मैंने ये दोनों पहना ना, आई रियलाइज कि मुझे वो बागरू प्रिंट का वर्क भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड आई माइट एंड अप बाइंग मोर फैब्रिक्स लाइक दैट. व्हाट डिड यू गाइस थिंक अबाउट बोथ द आउटफिट्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई होप यू गाइस एंजॉयड मी ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू एंड क्लबिंग, टू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, दैट्स ट्रैवल एंड फैशन. एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोज देखने हैं तो कहां से देखने हैं, कहां ट्रैवल करूं, कहां की फैब्रिक्स ट्राई करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू नो, लव टू ट्रैवल मोर एंड बाय मोर फैब्रिक्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट अ बिग थम्स अप. फॉर दिस वीडियो सब्सक्राइब, शाउट आउट गोज टू साची वेलानी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो सारा स्क्वाड शॉट आउट, यू नो व्हाट टू डू, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट, एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट डाउन बिलो सेइंग हैशटैग सारा स्क्वाड एंड चांस टू बी पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो सारा स्क्वाड शॉट. आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो. बाय गाइस, लव यू.